इस 15 अगस्त को जब हम इंडिया का 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो इंडिया एक वॉर लड़ रहा था। जी नहीं, मैं यहाँ कोई र्यूमर मॉगनिंग या फेक न्यूज नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो अटैक है ये डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे थे, वर्चुअली हो रहे थे, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे थे। इंडिया के जो साइबर सोल्जर्स हैं वो इन अटैक को लगातार 24 घंटे डिफेंड कर रहे थे। फिर भी इंटरनेशनल हैक्टिविस्ट जो हैकिंग ग्रुप्स होते हैं उनका कहना है कि वो 1000 से ज्यादा इंडियन वेबसाइट्स को टारगेट किए। ये वेबसाइट्स कुछ सरकारी वेबसाइट्स थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की थी और कुछ इम्पोर्टेंट अदर वेबसाइट्स भी थी। बट आपको ये बता दें कि इंडियन साइबर सोल्जर्स लगातार काम कर रहे थे ऐसे अटैक्स को फेल करने के लिए। ये फाइंडिंग बैंगलोर बेस्ड एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडसेक की है, जो मॉनिटर कर रहे थे ये हैक्टिविस्ट की एक्टिविटी। ये जो हैकर्स हैं ये पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और बाकी इंटरनेशनल ग्रुप्स के हैं, जो लगातार इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे #OPIndia करके अटैक कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि क्लाउडसेक रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि पिछले 6 महीनों में हैक्टिविस्ट अटैक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है वर्ल्ड ओवर, जिसमें इंडिया एक टॉप कंट्री बन के निकल के आया है जिसपे नंबर ऑफ अटैक सबसे ज्यादा है। इसीलिए आप अपना फर्ज निभाएं, आप अलर्ट रहिए, आप अपने अगल बगल का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ रखिए, साइबर हाइजीन फॉलो कीजिए ताकि आप इंडिया को डिजिटली सेफ रख सके।